Ladies and gentlemen, today is the day of your production because you went through the process of reception and now it is the time to produce, and we call it, technically we call it RPS. RPS, receptive and productive skills. Technically, in linguistics, scientifically, we call it RPS, receptive and productive skills. We receive and we produce. Please share the link in 3 WhatsApp groups and save 2. What we produce depends on what we receive. This is common sense. But common sense is a sense which is not common. Common sense is a sense which is not common. Now, it is common sense that what we receive will determine the quality of what we produce. This is common sense. But common sense is a sense which is not common. Everybody doesn't have common sense. तो अगर हर किसी में कॉमन सेंस होता, हर बंदा सेंसिबल होता, समझदार होता, तो फिर इस दुनिया में मसाइल क्यों होते, नाकामियां क्यों होती? इसलिए कि कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट कॉमन. थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिंक. नाउ RPS, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स. व्हाट वी रिसीव डिटरमिन व्हाट वी प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल, यू कम लाइव इन SAFE2 or you make a post on SAFE2, how to get maximum marks in examination. This is your topic. How to get maximum marks in examination. हम एक इम्तिहान में ज्यादा से ज्यादा marks कैसे ले लें? This is your topic. You speak on this topic, you write on this topic. So what you receive today from me will determine the quality of your production. Because finished product depends on the quality of raw material and इट्स प्रोसेसिंग. जो आखिरी प्रोडक्ट होता है दैट्स कॉल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. टेक्निकली स्पीकिंग, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को हम वैल्यू देते हैं. वी गिव वैल्यू टू अ प्रोडक्ट. तो एक प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा? सो देयर आर टू वेज, टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स फॉर द क्वालिटी ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. वन इज रॉ मटेरियल एंड द अदर इज इट्स प्रोसेसिंग. खाम माल कैसा है,
और खाम माल को आप कैसे तैयार करते हैं, किस फैक्ट्री में, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इन्वॉल्वमेंट, हाउ मच यू आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, हाउ मच यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द प्रोसेस, उस प्रोसेस में आपकी दिलचस्पी कितनी है। अब मैं मेरी बात आप सुनते हैं, कितनी दिलचस्पी से आप इसको सुन रहे हैं, आप क्या नोट कर रहे हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं। सो फाइनल प्रोडक्ट, आपकी जो मार्क्स आते हैं CSSPA में, इस आपका रिजल्ट आता है, वो फाइनल प्रोडक्ट है। तो वो फाइनल प्रोडक्ट डिटरमिन कर, किस चीज पे डिटरमिन करता है कि भाई आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, क्या माल आपने इकट्ठा किया है, खाम माल जिसको कहते हैं, रॉ, RAW, और उसको प्रोसेस आप कैसे कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री की क्वालिटी क्या है, आपकी मशीन्स कैसे हैं, आप कितने फोकस से उसको बना रहे हो, आपका टाइम एनर्जी जो है वो कैसे कंज्यूम हो रहा है। इफ यू टेक इट कैजुअली आप इसको एम ही लेते हैं, बस जी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो रिजल्ट विल बी नॉट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, दैट विल बी नॉट द एक्सलेंट रिजल्ट, बिकॉज सम लेजी पीपल दे वेट फॉर मेरिकल्स कि भाई कोई मौजूदा हो जाएगा, बस कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाएगा। इंटिविटिव काइंड ऑफ पीपल जो विजदान पे काम करते हैं कि जी बस यार कहीं ना कहीं से कुछ निकलेगा, तो कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन वो तुक्का होता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। तो तुक्के की बजाय आप एक रेशनल, एम्पेरिकल, प्रैक्टिकल, प्रेगमेटिक रास्ता क्यों इख्तियार न करें, जो श्योर रास्ता, दिस इज रॉ मटेरियल, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द सिलेबस, दीज आर द टॉपिक्स, आई नो द डेफिनेशंस, आई नो द डिटेल्स, दिस इज माई सिलेबस, दीज आर द टॉपिक्स आई हैव प्रिपेयर्ड, एंड नाउ आई एम रेडी फॉर एग्जामिनेशन। ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग मार्क्स एज वी हैव ट्रिपल पी फार्मूला, प्लान, प्रिपेयर, प्रेजेंट। पहले प्लानिंग करो, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि जी सैटरडे को हमारा वीकली एग्जाम होता है, नहीं होता पता, बस बाय चांस, अच्छा आज सैटरडे है, ओ अच्छा, हाँ यार मैंने तो ख्याल ही नहीं था, प्लानिंग नहीं है उनकी कि भाई हर सैटरडे को आपका 9 बजे एग्जाम होता है, तो आप उसके लिए प्लान करते हैं, आप पढ़ते हैं पोस्ट को, क्या क्या आएगा, कौन कौन सी चीजें एग्जाम में होंगे, सो यू प्लान, आपका बाकी एक प्लानिंग होता है, बाय चांस काम नहीं करते, फिर आप प्रिपेयर होते हैं, आज क्या क्या टॉपिक्स हैं, प्रेसी है, कंपोजिशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसे राइटिंग है, सेफ मैगजीन है, जिनका IR और फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो है, अच्छा ये टॉपिक्स है, ठीक है। सेफ मैगजीन हाँ मैंने पढ़ा है यार, 3-4 मैगजीन्स आई है इस वीक में, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें। आज सेफ 2 में एक बंदे ने पूछा कि भाई SOE क्या है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और स्टेट दोनों बिजनेस करते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान है, अब PIA बिजनेस है लेकिन गवर्नमेंट इसको चला रही है, स्टेट चला रही है, स्टील मिल है कराची में, है तो ये बिजनेस कारोबार है लेकिन गवर्नमेंट चला रही है, सरकारी है, तो इसको कहते हैं SOE,
state-owned enterprises. Enterprise का मतलब है business. Enterprise का वैसे मतलब मेहनत है, काम है, लेकिन उनको business में काम करना पड़ता है. वो सरकारी नौकरी तो नहीं कि कुर्सी पे बैठो, कुछ न करो, तनख्वाह मिल जाती है. तो इस वजह से उसको एंटरप्राइज कहते हैं, SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज. अब उस आर्टिकल में आपको फाइव है कि कितने हैं स्टेप्स दिए हैं, टिप्स दिए हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से ये चीजें सीखे तो सरकारी इदारे भी अच्छी काम कर सकते हैं. प्राइवेट बिजनेसमैन से अगर ये बातें सीख ले तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो है, ऐसे बिजनेसेस जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, तो वो जो है भी चल सकती है. तो ये एक आइडिया उसने दिया है बंदे ने. तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने उस आर्टिकल को पढ़ा है, स्टेट मैगजीन को उसने खोला है. तो प्लान किया है, प्रिपेयर भी किया है, प्रेजेंट भी करेगा. ट्रिपल पी आपका पूरा हो गया. एक और ट्रिपल पी जो है वो है प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है कि भाई प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है वो भी काम कर सकते हैं, या परचेज पावर पैरिटी है, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है. मुख्तलिफ पीपीपी से मुख्तलिफ चीजें पढ़ते हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अब पीपीपी जो है प्लान प्रिपेयर प्रेजेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी. पीपीपी का एक और मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि भाई पब्लिक और प्राइवेट मिलके बिजनेस चलाते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं. दूसरा पीपीपी क्या है, परचेज पावर पैरिटी, कि एक डॉलर में कितना पावर है परचेज के लिए, और इसको हम इक्वलिटी करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में. पैरिटी, एक डॉलर पाकिस्तान में 65-70 रुपए है, लेकिन वही एक डॉलर अमेरिका में एक डॉलर है, जिसे आपको नस्वार भी नहीं मिलता, लेकिन उसी डॉलर पे, एक डॉलर पे आप पाकिस्तान में दाल रोटी खा सकते हैं. तो ये जो इकोनॉमी है, दैट इज कॉल्ड परचेज पावर पैरिटी, पीपीपी. तो जब आप पीपीपी को देखते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं डॉट्स को. यार पीपीपी मैंने कहीं और भी सुना है. पाकिस्तान में ओनली प्रोग्रेसिव पार्टी जो है वो कौन सी है, पीपीपी है. बाकी सारे तो या कंजर्वेटिव है, या रिलीजियस है, या सेंट्रिस्ट है, राइटिस्ट है. तो एक ही पार्टी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो प्रोग्रेसिव है. थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट है, लेकिन उसमें जितने भी लोग हैं प्रोग्रेसिव है, वो चेंज चाहते हैं, स्टेटस को वाले नहीं है, नई नई मॉडर्न आइडियाज वाले है. तो फिर आप पीपीपी, मुस्लिम लीग, पीटीआई, उसका कंपैरिजन करने लगते हैं, क्या इसमें सेंट्रिस्ट पार्टी कौन है, लेफ्टिस्ट कौन सी है, राइटिस्ट कौन सी है, कंजर्वेटिव कौन से है, और जो प्रोग्रेस चाहते हैं वो कौन से है. तो ये आप ख्याल से ख्याल मिलाते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाते हैं, तो आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो जाते हैं. तो एग्जाम में फिर आप लिख सकते हैं. अभी मैं आपको एक टॉप टिप जो देता हूं, टॉप टिप, टॉप सीक्रेट, वो ये है कि यू कैन नॉट बिकम अ पीएचडी डॉक्टर इन वन डे. कि आप एक दिन में पीएचडी डॉक्टर बन जाएंगे, इम्पॉसिबल, बड़ा टाइम लगता है. लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस. लर्निंग आसान काम नहीं है, लर्निंग बड़ा स्लो काम है. आप समझिए कि जी 5 दिन में सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता, हो ही नहीं सकता, ह्यूमन नेचर नहीं है, ठीक है ना. मतलब ये लर्निंग एक चाय कप नहीं है कि मैं इसको अपने अंदर डाल दूं.
तो टॉप टिप ये है कि एक टॉपिक पे आपने स्पेशलिस्ट बनना है. यू हैव टू बिकम स्पेशलिस्ट ओनली ऑन वन टॉपिक. द टॉपिक विच यू रीड, द टॉपिक ऑन विच यू स्टडी एन आर्टिकल और अ चैप्टर और यू अटेंड अ लेक्चर. जब आप कोई लेक्चर अटेंड करते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, नईम खान को सुनते हैं, किसी और टीचर को सुनते हैं, सेफ मैगजीन में उसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं एक टॉपिक पे, उस टॉपिक पे आप मास्टर बन जाएं, और जिस बंदे ने वो लिखा है कोशिश करे कि उसे बेहतर लिखे. अगर बेहतर न लिख सके तो कम से कम उसकी तरह तो लिख के उसी टॉपिक पे, सिर्फ एक टॉपिक पे बस, जो आपने पढ़ा भी. मसलन एग्जाम के बाद, अभी 9 बजे आपका एग्जाम है, तो 9 बजे के बाद जो है आप जाते हैं, 12 बजे आपका पेपर खत्म होता है, आप में एनर्जी है तो ठीक है, वरना कल आप सेफ टू में आते हैं या वीडियो पे आते हैं या लिखते हैं हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम. अब मैंने भी आधा घंटा आपको इस पर लेक्चर दिया, मेरे से पॉइंट्स आप उठाए, मेरा जैसा लेक्चर दे दे या मुझसे बेहतर दे दे. आपने सेफ मैगजीन में इकोनॉमी पे का आर्टिकल पढ़ा, कश्मीर पे पढ़ा, अब आपने उस बंदे की तरह लिखना है. वो जो आपका किड्स स्टाइल है, बच्चों वाला, प्राइमरी स्कूल वाला, उसको आपने खत्म करना है सिर्फ उसी टॉपिक पे जो आपने अभी पढ़ा. बाकी बिल्कुल जीरो है, लल्लू पंजू है, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल खाली डब्बा हो. लेकिन जिस टॉपिक पे आपने सुना या पढ़ा, आरपीएस रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स, अब खाम माल जो है, रॉ मटेरियल भी ठीक है, प्रोसेस भी ठीक है, प्रोडक्ट फिर भी गंदा आ रहा है, तो इस साइकिल से आपने निकलना है. विशेष साइकिल जो है, इसी से आपने निकलना है कि यार कम से कम एक टॉपिक पे तो मैं काम की चीज लिख सकूं, जो मैंने उसको पढ़ा है या मैंने सुना है, तो इस टॉपिक पे मैं मास्टर बन जाता हूं. अनलर्न आपने कौन सा लर्न किया है कि अभी उसको अनलर्न करना है? पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग है ही नहीं, वो तो रट्टाबाजी है. जुम्मे की दिन मुल्ला से कुछ सुनते हैं, कभी पेरेंट मेरेंट से कुछ सुन लेते हैं, क्या है लर्निंग? आपने क्या किया, क्या आता है आपको जिसको आप अनलर्न करेंगे? अब है ही जीरो. ठीक है ना, आता ही नहीं, कुछ खाली मैदान है. कोई एक चीज तो बताओ जी, मैं जी फलान चीज आती है मैं उसका मास्टर हूं, वो कौन सी चीज है? तो जिसने लिखा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं. ये सारी ड्रामे अनलर्न और डीलर्न और ये आता क्या है आपको कि आप उसने अनलर्न करना है? सुना क्या है आपने, किसने आपको क्या बताया? हमारे घरों में क्या बातें होती है, आज ये अच्छे कपड़े आए हैं, कैसे कपड़े हैं, पूपी ने ये कहा, खालन ने ये कहा, कजन ने ये कहा, तो पकोड़े कैसे बनते हैं, तो अच्छा जी अच्छा फलान शादी है, ये वो है. हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में क्या होता है? है ही नहीं कोई डिस्कशन, उधर सारा दिन गप शप. क्योंकि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, इन सब मिलकर इन्होंने एक साजिश की है, कॉन्स्पेरेसी. स्टूडेंट ने क्रिटिकल थिंकर नहीं होना, टीचर ने सही पढ़ाना नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने सही काम नहीं करना, पेरेंट्स ने भी जान चुड़ानी है, बस छोड़ो बस ठीक है, मैं फीस ये देता हूं, बस फी लिया करो, मुझे ज्यादा तंग ना करो. तो ये चारों लोग मिलके उसने एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये बाकायदा साजिश है. टीचर के भी वो स्टूडेंट अच्छा लगता है जो तंग नहीं करता, और स्टूडेंट को भी वो टीचर अच्छा लगता है
के तंग नहीं करता, क्या हर रोज एग्जाम है, टेस्ट है, ये है वो है, छोड़ो, सुस्ती है। तो हमने कोई लर्निंग की ही नहीं है, तो उसको अनलर्न क्या करेंगे? क्या आता है आपको? हाँ, कोई गलत चीज आपके माइंड में किसी ने डाली है तो उसको अनलर्न करो, खत्म करो, उसको भूल जाओ। बिकॉज द आर्ट ऑफ मेमोरी इज टू फॉरगेट द ट्रिवियल। द आर्ट ऑफ मेमोरी इज टू फॉरगेट द ट्रिवियल। तो प्राइमरी कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन ऑफ नो यूज टू मी अप टिल नाउ, क्या कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट है? You are still a better participant, better than many. That's why we have to keep in mind that we have to be experts on one topic at least. जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका हमने मास्टर बनना है। सेफ टू में मैंने उस पर लिखना है, मैंने उस पर लेक्चर डिलीवर करना है, एग्जाम में मैंने लिखना है। मैं ये क्लेम कर सकूं जी, कश्मीर का मेरा क्वेश्चन तैयार है, मैं 7 सिनेरियोज लिख सकता हूं, कश्मीर की हिस्ट्री का मुझे पता है, सोल्यूशन का मुझे पता है, डेटा मेरे पास है, ईयर्स, डेट्स, नाम मशहूर सब मुझे पता है। बोलो जी, हाँ कश्मीर पे आई बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। उस दिन ईएलसी पे आप लोगों ने जबरदस्त डिस्कशन की अफगानिस्तान पे, उधर पता चल जाता है कि यार मैं कितने पानी में हूं। दूसरे को सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप 1000 वीडियो अगर सुनते हैं तो एक वीडियो प्रोड्यूस तो करो। अब 1000 लेक्चर सुनते हैं, 1000 किताबें पढ़ते हैं, 1000 लाइंस लिखते हैं, अब पढ़ते हैं तो 10 लाइन लिख तो सही। सो डिस्कशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड whatever you are listening and reading, you have to be master of that topic. उसको इस नजर से पढ़ो कि यार मैंने ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं आर्टिकल में या किताब में, मैं आज के बाद इसी टॉपिक पे मास्टर हूं। इसी टॉपिक, बाकी भूल जो बस कुछ नहीं आता तुम्हें, कश्मीर आता है, पैलेस्टाइन आता है, कॉन्स्टिट्यूशंस 3 आपको आते हैं, मतलब कोई कंक्रीट चीज जिस पे आप क्लेम कर सके जी पूछो मुझसे। सेफ टू में तुम पोस्ट करते हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन कश्मीर फ्रॉम मी, आई एम रेडी, बोलो। तो ये कहानी है। सो नाउ आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल बी हैविंग योर वीकली एग्जाम। दिस वीकली एग्जाम इज अ मिक्स, अ ब्लेंड, एमलगमेशन, मिक्सचर ऑफ प्रेसी, कॉम्पोजिशन, एसे, सेफ मैगजीन, करंट अफेयर्स, आईआर एंड फिलॉसफी। यू हैव चॉइस देयर, सो कंपल्सरी यू हैव टू डू योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, कंपल्सरी क्वेश्चंस, एंड कंपल्सरी मीन व्हाटएवर यू कैन डू इन 3 आवर्स। यू हैव टू सबमिट योर आंसर्स बिफोर 12 AM। ऑल आंसर शुड बी एट द सेम टाइम। At least write one question in typing. टाइपिंग में एक क्वेश्चन जरूर क्या करें, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग कभी समझ आती है, कभी नहीं आती, कभी वो डेम होती है, कभी आप प्रॉपरली स्कैन करते हैं नहीं करते। तो ये एक रियलिटी है कि टाइप वाला टीचर जरूर पढ़ता है। अब अपना एन कर करके एक्सपेंड करके ये वो कौन करता है इतना? इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पेन राइटिंग छोड़ दें, बिल्कुल करें, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आप क्लियर पता चले कि बंदे ने क्या क्या गलती की है। दूसरा यह है कि आप सिर्फ मार्क्स या रिमार्क्स के लिए मत लिखे, यह आपका अपना प्रैक्टिस है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कोई आपके लिए एक एग्जाम तैयार करता है, पेपर बनाता है, ये खुद आप तो नहीं कर सकते ना, किसी ने आपके लिए बनाया है। बेशक आप पेपर सबमिट करके आपको कोई मार्क्स रिमार्क्स मिलते ही नहीं है, आपका प्रैक्टिस तो हो गया, आपको खुद पता चल गया कि यार मैं कितने पानी में हूं, या ये कम वो है, आपने कम कार्रवाई की, बजाय इसके आप वेट करते हैं कि जी कोई बंदा मेरे एक एक लाइन को अंडरलाइन करेगा, रेड करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं,
हायर एजुकेशन में इस तरह की चीज नहीं होती कि वो आपका बच्चों की तरह एक एक चीज जो है वो करे। एडवांस कंट्रीज में ये भी नहीं है, एडवांस कंट्रीज में वो आपको एरर फ्री बनाते हैं ताकि आप गलती करें ना, क्योंकि हमारे लोग मेसोकेस्ट है, हमारे लोग जो है गम के गाने ज्यादा सुनते हैं, गम के ड्रामे ज्यादा देखते हैं, उसको बड़ी खुशी होती है, कोई गम की बात तो नहीं है, कोई मर तो नहीं गया, कोई धमाका तो नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लगता है हमें अंदर अंदर से, गीबत का बड़ा मजा आता है, हाँ जी अच्छा ये हो गया वो। तो हम है मेसोकेस्ट, मेसोकेस्ट इसको कहते हैं कि भाई उसको गम में मजा आता है, कोई मेरी गलती निकाले, कोई मेरे मुझे शर्मिंदा करे, हीरो बनने का उसको शौक नहीं होता कि यार मैं ऐसा लिखूं जिसमें किसी का माय का लाल भी गलती ना निकाले। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, डेवलप कंट्रीज में ये चीज नहीं होती, ये आपका अंडरलाइन करना, सुर्ख पेन, ये वो ऐसे एजुकेशन देते हैं कि जरूरत ही नहीं होती एक एक चीज को करेक्ट करने की, वो तरीका काउंटर प्रोडक्टिव है, वो आप याद ही नहीं रहता आपको कि मेरी कौन सी गलती किसने किस तरह ठीक की थी, 50 में आपको कोई एक याद हो जाता है। तो हमारी साइकी ये है कि हमें नेगेटिव चीजें अच्छी लगती है, सो दैट वी हैव टू चेंज। सो देयर आर 10 11 12 क्वेश्चंस, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द पेपर यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, नो डिस्कशन इन एग्जामिनेशन हॉल, आफ्टर 5 मिनट्स योर एग्जाम विल बी अपलोडेड, इफ यू कैन डू ओनली वन क्वेश्चन That is enough. But you check yourself. If you understand the question and you write according to the demand of the examiner, you will be getting maximum marks. Examiner is चीज में बिल्कुल interested नहीं है कि आप बड़े बड़े चीजें लिखे और बड़े बड़े फलसफे बताए और ये करे वो करे। No. क्या आपने question को समझा है? क्या आपका जवाब question के मुताबिक है या नहीं है? This is the only requirement of examiner. क्योंकि आप यहां कोई तकरीर नहीं कर रहे, न किसी जलसे में खड़े हैं, न अपना कोई, हम हमारे लोगों को मसला है ना कि भाई अपने आपको दिखा दे कि मैं क्या हूं। एग्जामिनर को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं, एग्जामिनर को जानता भी नहीं कि तुम कौन हो, कौन से बाग की मूली हो, वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन है क्या जवाब उस क्वेश्चन के मुताबिक है कि नहीं है। तो इररिलेवेंट चीजों से बिल्कुल बचना, टू द पॉइंट, करेक्ट, क्लियर, कॉन्साइज, सिस्टमेटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर्स, क्लियर क्लियर प्यारे प्यारे आंसर्स। एग्जामिनर भी आप जैसे इंसान है तो वो क्यों आप उसको मुश्किलात में डालते हो, ऐसे हैंडराइटिंग लिखते हो समझ ही नहीं आती क्या है, ऐसे फजूल किस्म के आर्गुमेंट्स लिखते हो जिसका कोई सरोपा नहीं है। तो टू द पॉइंट, रेलेवेंट, क्लियर, करेक्ट, साफ साफ प्यारे प्यारे, हर बंदे को अच्छा लगता है कोई साफ साफ लिखाई हो, कोई खूबसूरत सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, मजा आए उसको देख के। तो आप भी अगर टीचर है तो आपको भी इस तरह के आंसर अच्छे लगते हैं। आप एग्जामिनर की जगह बैठ जाए कि यार मैं एग्जामिनर होता तो मैं किस तरह के आंसर्स देखता। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, रिप्लाई एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। मेरे पास 3 घंटे है, मेरे पास 7 क्वेश्चन है, इसका मतलब यह है कि मैंने तकरीबन 20 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 20-25 मिनट में। तो हर क्वेश्चन को टच करना मामूली मामूली ज्यादा बेहतर है बजाय ये कि आप एक क्वेश्चन में सारे के सारे मार्क्स ले ले और बाकी कुछ लिखे ना। तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे करें, लेकिन अगर आपसे सारे क्वेश्चन अच्छे नहीं होते टच जरूर करें, 2-3 लाइन जरूर लिखे। एग्जामिनर को फील होता है कि यार ये बंदा जो है करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, खैर है। अब आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 20 के 20 मार्क्स आपको मिल गए लेकिन 80 मार्क्स तो आपने छोड़ दिए। अगर आप हर
क्वेश्चन में 10-10 मार्क्स भी ले ले, तो अगर 5 क्वेश्चंस है तो आपके 50 मार्क्स हो गए, तो 50 ही टोटल 20, 50 इससे बहुत बेहतर है, कॉमन सेंस की बात है, आपने टोटल मार्क्स लेने हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज गो अहेड। कोई आपका कोई मसला है पर्सनालिटी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर एक क्वेश्चन क्या करें, कम से कम एक टच करें, ताकि आपको फील हो कि यार मेरा एग्जाम हो गया, मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ प्रोड्यूस कर दिया। बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है बंदे को जब वो कुछ लिख लेता है और कई आवर्स उसको एक मार्क मिलता है, कोई रिमार्क मिलता है, तो कुछ न कुछ जरूर क्या करें। ये एक्चुअलाइजेशन है, ये मैदान जंग में लड़ना है, ठीक है ना। 12 फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं और 12 करोड़ उनको देखते हैं, तो 12 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 12 लोग इंपॉर्टेंट है जो फाइटर्स हैं, जो मैदान में है। बेशक वो हार जाए बट दे आर फाइटिंग, वो फाइटिंग से नहीं डरते, वो मैदान जंग में है। वो 12 करोड़ तालियां बजाने वाले से ये 12 लोग ज्यादा बेहतर है। सो आफ्टर 5 मिनट्स यू विल बी हैविंग योर एग्जाम अपलोडेड इन दिस ग्रुप एंड देयर इज चॉइस, वाइड चॉइस इज देयर। रीड द होल पेपर वंस, टेक फर्स्ट टेक दोज क्वेश्चंस विच यू कैन नॉट सॉल्व, आपको पता ही नहीं, आपको जिन्नात में नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो पहले उसको क्रॉस करो, यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, जो आखिर में आपके पास रह जाते हैं करने वाले, तो उसको कर दीजिए। इफ देर इज एनी इशू सो सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, डोंट डिस्कस एनीथिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, जस्ट योर आंसर्स, ऑल आंसर्स शुड बी एट द सेम प्लेस। All the best.